भोजन नहीं लगता यहाँ पे, बिल बिना मांगे मिल रहा है तो और क्या चाहिए। भाई ये देखो पैसे दिए और चलता बना। चावल थोड़ी देर बाद ऐसे श्रिंक हो गए और पत्थर बन गए। मतलब कह के थक गया हूँ, अकेला क्या करूँ बताओ। भाई नीचे देख लो भाई साहब, तो ये है फर्क का। ट्रेन का सफर अलग होता है, अलग होता है ना, यही है यार। एप्पल और जैम लगा के ब्रेड के ऊपर। हाँ जी, किवें जी सारे, सत श्री अकाल, नमस्कार, वेलकम बैक टू माई चैनल, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो भाई पार्ट टू में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा तो पहले वो जाकर देखो, तभी आपको सारी कहानी समझ आएगी कि मैं कौन सी ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ। जी हाँ, वैसे मैं बता देता हूँ, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ इंडियाज लॉन्गेस्ट हम सफ़र एक्सप्रेस में, जो कि अगरतला से बेंगलोर के बीच में चलती है। काफ़ी डिमांडिंग ट्रेन थी, तो मैंने सोचा कि ना पूरा ब्लॉग बनाया जाए। पार्ट टू स्टार्ट होने जा रहा है अभी, कमाख्या से ही मैं पार्ट टू स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले मैंने सोचा था मालदा टाउन से सुबह स्टार्ट करूँ, बट नहीं, क्योंकि अभी ब्रह्मपुत्र रिवर भी आएगी, वो आपको मैंने दिखानी है, और उसके बाद सुबह के नज़ारे इंजॉय करेंगे। चलिए करते हैं शुरुआत। चलिए जी, कामाख्या से हो चुके हमारा डिपार्चर। कम से कम आधा घंटा ट्रेन खड़ी रही यार। अब इसके बाद आपको दिखाना है मेरे को ब्रह्मपुत्र रिवर। भोजन नहीं लगता है यहाँ पे, क्यों लगता है? पानी अगर गिरा है ना, अगर पानी, किसने कहा है कभी कभी लगता है? किसने कहा नहीं सर, हम लोग ऐसे कहते हैं, जो पानी अगर गिरा है ना तो उसमें हम लोग ऐसे गंदा ही रहता है, मिट्टी रहती है, गंदा तो कुछ है नहीं सर। लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, चप्पल लेकर आ रहे हैं। देखिए हर तो सुंदर ऐसे ही है ना, पोछा नहीं लगाओगे आप ये कह रहे हो? पोछा नहीं लगता ये कह रहे हो आप? मतलब इस कोच में पोछा नहीं लगता है? नहीं लगता है। हाँ तो अभी कह रहे हो चौक पोछा नहीं लगता है, लगता है क्या? हाँ फिर लगा दोगे क्या? नहीं लगाना क्या है, लगा देंगे, आसान कर रहे हो। सो भाई मैंने वेटिंग वेटिंग की हुई है और मैं चला सोने के लिए, ठीक है। बहुत नींद आ रही है, आपको मिलता हूँ कल सुबह मालदा टाउन के आस पास, जी हाँ जहाँ भी जहाँ खुलती है। बट ये जो लाइट है ना बाहर की, ये सीधी बड़ी गेट के पास, अलवरी गेट खोले जा रहे हैं लोग। चलिए कोई बात नहीं, मैनेज करना है, आप सबको कंटेंट तो दिखाना ही ना। अच्छे से चलिए, गुड नाइट, वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। तो सुबह के 5 बज चुके हैं, रात में यार नींद बहुत आ रही थी, सो गया। और अभी हम पहुंचे हैं न्यू जलपाईगुड़ी। जी हाँ, 2 घंटा डिले हो गया भाई ट्रेन, 2 घंटा, अभी भी 2.5 घंटा हो गई, ऑलमोस्ट 25 मिनट से खड़े हैं यहाँ पर। पता नहीं क्या रहेगा बेंगलोर तक, अभी तो यार इतना लंबा सफ़र पड़ा है। चलिए यार मेरे को वापस से, मैं तो जाग खुल गई, वैसे मैं सोचा कि ना आपसे बात करूं। अब अंदर चलते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, देखते हैं सुबह कहाँ आप दोबारा जाग खुलती है। तो भाई अभी मैं बाहर उठ के आया हूँ और यहाँ पर बाहर हाल देख रहे हो यार, इतना पैर ही नहीं लगा सकते, ज़्यादा गंदगी है यार। मतलब कह के थक गया हूँ, अकेला क्या करूँगा बताओ, यहाँ पर गंदगी है। वॉशरूम तो अभी जाकर साफ करवाए हैं, वरना आप घुस ही नहीं सकते थे वॉशरूम में, इतना बुरा हाल है। अब इसमें पानी आ रहा है थोड़ा थोड़ा, पता नहीं कब साफ सफाई होएगी इस ट्रेन की। भाई मेंटेनेंस शून्य, 0 मेंटेनेंस। अंदर कोच की कंडीशन दिखा दूँगा ना मैं तो मर जाओगे भाई, बिल्कुल गंदगी है हर जगह। क्या यार मूड ख़राब हो गया सारा। आलू चॉप दे दो, 2 पीस देना। सो भाई मैंने अभी 2 पीस ही आलू चॉप लिए हैं, वैसे तो गर्म इतना नहीं है बट भूख लग रही थी, फ्रेश फ्रेश कर लिया, फ्रेश हो गया, तो अब इसको बस खाते हैं, बताता हूँ कैसा टेस्ट इसका। तो भाई इसका जो टेस्ट है ना, टेस्ट इज सो बैड, बहुत मतलब अच्छा नहीं है बिल्कुल भी यार, ऑयल भी इतना ज़्यादा है और ठंडा है। चलिए यार अब क्या करें, कुछ मिल नहीं रहा ढंग का इस ट्रेन में खाने को। इलाज वाला है, अच्छा मिक्सचर मसाला, क्या पिलाओगे, कॉफ़ी पिलाओगे, मसाला चाय पिलाओगे? कॉफ़ी पिलाओगे जी भैया। रेट एक ही है ना? नहीं नहीं,
एमआरपी भी मिलेगा वैसे चाय कॉफी का 10-10 है, ये एमआरपी भी मिलते हैं। चाय कॉफी भी 10 नहीं है, ये 15 वाला है। ये नहीं, वो दूसरा चाय कॉफी कह रहा हूँ मैं, ये पैकेट का एमआरपी भी मिलता है। जो है बिल बिना मांगे मिल रहा है तो और क्या चाहिए। जी जी बिल तो मांगते हैं, सबका हक है ना, सही कह रहे हो आप, तभी तो 25 रुपए प्री मिक्स कॉफी, एक क्वांटिटी 25। चाय का नहीं है ना, चाय का भी मिलेगा, चाय का भी मिलेगा यार। तो भाई मैंने अभी यहाँ से कॉफ़ी लिया है, ये 25 रुपए की आपको पता है पैकेट वाली बाग बकरी की इंस्टेंट कैपुचिनो है, तो टेस्ट कर लेते पहले। हाँ हाँ बहुत बढ़िया भाई, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। और अचंभे की बात, ये वाला पैकेट लिया है, और भाई आज बिना कहे इसका भी बिल दिया जा रहा है भाई, 25 रुपए। देख लो भाई क्या बात है, मतलब बिना कहे पकड़ा दिया उन्होंने बिल। अरे यार अब शूट कर रहा था, आई गेस हो सकता है, बाकी यार सही है, 25 रुपए का मिलेगा आपको ये, इनका एमआरपी भी 25 ही है। चलिए इसको एंजॉय करते हैं, फिर आपको मैं मिलता हूँ मालदा टाउन में, कुछ वहाँ से खाने को देख लेंगे, क्योंकि ट्रेन में खाना नहीं मिल रहा सही से, लंच लेकिन ट्रेन से ही करेंगे, ठीक है जी। फिर आप बोलोगे भैया पेंट्री का फूड नहीं दिखाएं, दिखाएंगे जरूर। ऑलराइट जी, 1236 किलोमीटर कवर करने के बाद पहुंच चुके हैं हम मालदा टाउन, और यहाँ पर हम पहुंचे हैं 2 घंटा डिले। जी हाँ, ये काफी इंपॉर्टेंट एंड बिजीएस्ट रेलवे स्टेशन है, ईस्टर्न इंडिया का जोन है मालदा टाउन, जोन ही पड़ता है। बाकी यार सच बताऊँ ना, खाने पीने की बहुत दिक्कत हो रही है मुझे, क्योंकि अगर आप वेजिटेरियन है तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा इस ट्रेन में। बाकी नॉन वेज में बिरयानी, चिकन, अंडा ये सब मिल रहा है यार, मछली भी मिल रही है, बट आपको पता है ना मैं वेजिटेरियन हूँ इसलिए मैं खा ही नहीं रहा ज्यादा। बाकी लंच में उनको मैंने बोला अभी वेज दे देना अच्छे से बना के, तो ठीक है यार आपको टेस्ट तो बताना ही है, बाकी देखते हैं यहाँ से कुछ मिलता है तो ब्रेकफास्ट कर लेंगे हम फिर। यहाँ पर भी खाना मिल रहा है, बट मिल रहा है नॉन वेज यार, अंडा चिकन, देखो रश देखो। सो भाई हार के मेरे को एक्ट 2 के 2 पॉपकॉर्न मिल गए हैं, तो इसी से भाई टाइम पास करते हैं अभी थोड़ी देर के लिए, बाकी देखते हैं डानकुनी आसपास कुछ मेरे को ऑनलाइन मिलता तो ऑर्डर करता हूँ मैं। कुछ दिक्कत होगी थी तो पुलिस वाले पैसे लेके छोड़ रहे हैं भाई, यही हाल है भाई, ये देखो पैसे लिए और चलता बना। तो भाई अभी हम एंटर कर रहे हैं फरक्का बैरिज पे भाई, जो कि गंगा रिवर में बना हुआ है, सामने देख सकते हैं यहाँ पर रोड है साइड में और ये ब्रिज है भाई साहब, नेक्स्ट लेवल। इसकी जो लेंथ है वो है 2.3 किलोमीटर, अराउंड 2308 मीटर इसकी लेंथ है, वो सामने है ना गंगा रिवर है और वो बांग्लादेश को चली गई उस साइड पे। भाई नीचे देख लो भाई साहब, तो ये है फरक्का बैरिज गंगा रिवर नीचे, लेवल है यार ये एक्सपीरियंस करने के लिए मैं वेट कर रहा था। फरक्का बैरिज कह सकते हैं इंडिया का वन ऑफ द लाइक बेस्ट रोड कम रेल ब्रिज है ये। तो भाई फाइनली जाके ख़त्म हो चुका है, काफ़ी बड़ा ब्रिज था ये, क्या ज़बरदस्त, सामने देखो काफ़ी आपको देखने को मिलेगा, बट ध्यान से करें रिकॉर्ड करें तो यहाँ पर चोर भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं इसलिए संभल के। तो भाई फाइनल जाके कुछ खाने को सही मिला, झालमुड़ी, अगर यार कोलकाता साइड इस साइड वेस्ट बंगाल में आ रहे हो ना तो ये ज़रूर ट्राई करना, 20 रुपए की, एक नंबर टेस्ट। टाइम 12:30 हो चुके हैं और आ चुका है लंच, अभी मेरी वॉच बंद है, ठीक है जी। लंच में ये है राइस, बिल्कुल गर्म खाना है भाई, ठीक है इसको अनबॉक्स करते हैं पहले फिर देखते हैं क्या क्या है। तो लंच को अनबॉक्स कर लिया, लंच में हमें मिला है राइस, ये भी राइस है, रोटी नहीं मिलेगी, इन्होंने बोला रोटी नहीं है, रात में ट्राई करेंगे। साथ में ये है दाल, थिकनेस ठीक है दाल की, और साथ में ये आलू है और आई गेस पता नहीं परवल है कौन सी सब्ज़ी है, चलिए टेस्ट करते हैं इसको। ठीक है सब्जी का टेस्ट ऐसा नहीं है ये बहुत गलत है, थिकनेस भी ठीक है, दाल टेस्ट कर लेते हैं ट्रेन के हिसाब से यार, लेकिन इतना भी वो नहीं है, मतलब ये था आपको बताना था
भाई ऐसा नहीं है मैं इसको खाकर मैं डिनर भी ऑर्डर करूँगा, नहीं डिनर बाद ही ऑर्डर करेंगे। ठीक है यार टाइम पास है, रोटी नहीं है सबसे मेन प्रॉब्लम है, रोटी नहीं है, राइस को देखते हैं सब्जी के साथ। एवरेज है 6.5/10 तो अब देख लो भाई, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो कुछ नहीं मिल रहा वेज में तो अब खा लो वरना बाहर से ऑर्डर कर लो। ठीक है जी चलिए इसको कंप्लीट करते हैं, बाकी फिर मिलता हूँ मैं आपको डानकुनी में। चावल थोड़ी देर बाद ऐसे श्रिंक हो गए और पत्थर बन गए। तो भाई देखो चॉइस इज योर्स, मेरी तरफ से बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा, बाकी नॉनवेज कैसा है वो मुझे नहीं पता, नॉनवेज मैंने खाया नहीं है। भाई देखो अभी बिल भी आ चुका है अपना खाने का, 80 रुपीज़ स्टैंडर्ड वेज बिल। जी हाँ जो करेक्ट रेट है वही लिया है और वही बिल आया है, बिना कहीं आ गया। वाह वेरी नाइस, तो ठीक है धीरे धीरे सुधार हो रहा है, इसमें इतनी लूट नहीं है इस ट्रेन में, सच बता रहा हूँ। 90 बोला था लेकिन एसी में दिया बिना कहे 90 और अंडे का 100 ले रहे हैं सबसे, तो 10-10 रुपये बढ़ा कर बोल रहे थे, बट कोई बात नहीं धीरे धीरे सुधार और भी आएगा, बिल्कुल करेक्ट रेट भी आएगा। बाकी देखो वर्धमान से निकल चुके हैं और कोई ट्रेन यहाँ पर पास हो रही है, बहुत धूप है इसलिए मैंने चादर लगाई हुई है। पहुंच चुके हैं डानकुनी में और यहाँ पर हम पहुंचे हैं 2.5 घंटा डिले। जी हाँ वैसे ये कोलकाता के आउटर पे आता है, यहाँ से जितनी भी ट्रेन साउथ को जाती है ना कट जाती है, लग लाइन हो जाती है, हमें हावड़ा या सियालदा जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जी हाँ बाकी ट्रेन बहुत डिले हो रही है, अभी तो आधा मतलब कहते हैं ना आधा रास्ता भी कम्प्लीट नहीं हुआ है, आई गेस 2-3 स्टेशन बाद हमारे आधा किलोमीटर कम्प्लीट होंगे 3555 में से, अभी तो 1500+ किलोमीटर कवर करे हैं। चलिए आई गेस भी यहाँ से हावड़ा राजधानी मिलेगी हमें क्रॉसिंग, देखते हैं अगर क्रॉसिंग मिलती है तो आपको दिखाते हैं ज़बरदस्ती। तो भाई सामने से आ रही है हावड़ा राजधानी, हावड़ा राजधानी वाया पटना। भाई साहब प्लेटफॉर्म हाई स्पीड स्कीप भी चल रहा है, अरे भाई आज तक मैंने ऐसी रेस नहीं देखी सच बता रहा हूं मैं अपनी लाइफ में। भाई साहब दोनों की स्पीड ऑलमोस्ट 90-100 चल रही है, अभी वो आगे निकल रही है थोड़ी सी, दोनों को ग्रीन, कैसा लग रही है बढ़िया चलो भाई। तो भाई वो आगे निकलती जा रही है, बाय बाय भाई साहब। भाई मैं तो कहता हूँ हमारी वाली भी प्लास्टिक दिखा दे यार थोड़ा सा, वाह
दोनों साथ में हाई स्पीड पहले रेस चल रही है और वो भी प्लेटफॉर्म की भाई। भाई ये तो ले गया यार आगे ले गया। अभी हम खड़गपुर आने वाले हैं जस्ट, तो अभी कुछ भाई लोग मिले हैं। भाई आपका नेम क्या है? मेरा नाम है इमरान। इमरान भाई, तो अभी मैं वीडियो शूट कर रहा था, उन्होंने कहा भाई भाई आओ बैठते हैं। आपका नेम क्या है? रेशमी। आपका नेम? पार्ले जी। तो भाई काफी बढ़िया, अगर आप लॉन्ग जर्नी करते हो ना, साथी मिल जाए ना तो मजा आता है। तो आप पहली बार, ये कह रहे थे मेरी बात हो रही थी ऑफ कैमरा, तो बता रहे थे पहली बार जर्नी कर रहे हो अभी, तो कैसी अभी तक कैसी चल रही जर्नी? सच बताना, सच बताओ, कोई मतलब लोगों से मिल रहे हो? बात हो रही है, घर का ट्रेन का नहीं, और सच सच बता रहा हूँ, थोड़ी देर पहले ना मैं ऐसी बात कर रहे थे, गाना बजाते हैं बहुत अच्छा, तो चलो एक बार गाना गा के दिखा दो यार, थोड़ा सा, थोड़ा सा बनता है जो आपका मन है। गुरु रंधावा का कह रहे थे ना, चलो वो गाओ। वाह वाह, थैंक यू सो मच भाई साहब, है ना मजा यार, रौनके लग जाती हैं ऐसे मेरे को जर्नी में। आज तक मैं इतना ट्रैवल किया है लेकिन ऐसा अभी तक 10-15 मिनट में मुझे बैठे हैं यहाँ पर, मजा आ गया इनके साथ बातें करते। तो ऐसे ही कहता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ लोगों को जो भी देखते हैं, कहते हैं यार भाई आप फ्लाइट से क्यों नहीं ट्रैवल करते, इतना पैसा लगाते हो फर्स्ट एसी में। लेकिन मैंने कहता हूँ जर्नी में ट्रैवल करोगे कुछ नया चीजें सीखने को मिलेगी, नए लोगों से मिलोगे, है ना, ट्रेन का सफर अलग होता है ना, यही है यार। अब 63 आवर्स की जर्नी है, हम यहाँ पर 63 आवर्स बैठेंगे, पता नए नए लोगों से मिलेंगे, नए नए कल्चर देखने को मिलते हैं, सीखने को मिलते हैं। चलिए थैंक यू सो मच भाई। देवे मुझे अभी पता लगा इनका चैनल है यूट्यूब पे, नेम के चैनल का ओके, वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा इनके चैनल का, जाकर भाई चेकआउट जरूर करना, अगर पसंद आए जरूर से सपोर्ट करना। थैंक यू सो मच। जी पहुंच चुके हैं खड़गपुर में और यहाँ पर हम पहुंचे हैं 2.5 घंटा डिले, ऑलमोस्ट आधा हमने जर्नी कंप्लीट कर लिया अभी तक, काफी ठीक रही है, ठीक ठाक रही। ये A1 कैटेगरी का रेलवे स्टेशन है और यहाँ पर आपको पता है इंडिया का 4th नंबर पे लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म नंबर 1, जी हाँ बहुत बड़ा ही प्लेटफॉर्म है। और मैं बता दूं भाई, अगर आप यहाँ पर आने खाने पीने के लिए आपको सब कुछ मिल जाएगा, ट्रेन में बहुत प्रॉब्लम, मैंने आई गेस भुवनेश्वर से ऑर्डर किया हुआ है तो रात का डोमिनोज ही किया यार, कुछ अच्छा मिल नहीं रहा था तो डोमिनोज ऑर्डर कर दिया, वहीं पे खाएंगे। और भुवनेश्वर में आपको मिलाऊंगा भाई एक खास पर्सन से, ठीक है ना। तो भाई वो सामने भाई चले गए टेंडर भाई, वो आते नहीं कैमरे के आगे, बट उन्होंने भाई चाय पिलाई है, काफ़ी बढ़िया चाय है। और इन्होंने जो चीज़ खिलाई ना, मैंने फर्स्ट टाइम खाई थी,
ये देखो ये बन रही है एप्पल और जैम लगा के ब्रेड के ऊपर, ऊपर भाई काफी मजा आ गया टेस्ट मेरा तो आपको पता ही है, भूखा मर रहा हूँ मैं दो दिन से, कुछ पेट में गया आज फाइनली जाकर। पहुंच चुके हैं भद्रक में और यहाँ पर हम पहुंचे 2 घंटा 10 मिनट डिले। अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो माँ भद्रकाली टेंपल है, ज़रूर से विजिट कर सकते हैं। बाकी मैं एक चीज़ बता दूँ, काफ़ी लंबा पार्ट हो गया ये भी, मैं सोच रहा था भुवनेश्वर या कटक तक बनाऊँगा बट नहीं, बहुत लंबा हो चुका है। सो आगे वाले पार्ट में मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊँगा, जैसे कि वॉशरूम कैसा है, क्या एक्सपीरियंस रहता है, एंड वाला एक्सपीरियंस मैं पूरा शेयर करूँगा। फाइनल पार्ट रहेगा और थोड़ी बहुत मस्ती भी, जैसे आपको पता ही है इस पार्ट में भाई पूरी मस्ती की उन सब के साथ मिल के, यार फ्रेंड्स मिल जाते हैं। एक्चुअली वो जानते थे, मुझे नहीं पता था, वो कल से मुझे नोटिस कर रहे थे, उनके फ्रेंड कोई जानता था मुझे तो उन्होंने बोला भी ये बंदा ट्रैवल कर रहा है तो उनसे मिलो जाकर, और बाई चांस मैं इसी कोच में था। सो 2 मिनट का हॉल्ट है, ज़्यादा देर नहीं करते। अगर आपको ये व्लॉग पसंद है मेक श्योर लाइक ज़रूर कर देना भाई, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको कैसा लगा। और मैंने कटक में ऑर्डर किया डोमिनोज और खाना आएगा भुवनेश्वर में, वो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा लास्ट पार्ट में भाई, पूरी जर्नी करेंगे एंड तक टिल बेंगलोर, आपको पूरा शेयर करूंगा कैसा रहता है एंड में एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। ज़रूर से देखना भाई लास्ट पार्ट, अगर 2 पार्ट देख लें तीसरा ज़रूर से देख लेना, मस्ती करेंगे, मजाक होगा और सब कुछ होगा। चलिए आज के व्लॉग को यहीं पर रखते हैं, अगर आपको व्लॉग पसंद आए मेक श्योर लाइक जरूर करना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको कैसा लगा। चैनल पर नए हो ऐसी और जर्नी देखना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। ज़्यादा देर हाथ नहीं पकड़ा जा रहा, फोन नहीं पकड़ा जा रहा, हाथ कह रहा हूँ बहुत दर्द हो रहा है यार बैक में, पता नहीं क्या हो गया, मसल पुल हो गया। चलिए मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, टाटा बाय बाय।